ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि एक ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह रखता हो, वो आगे जाके अपने ही देश का तानाशाह बन जाता है और वो अपने ही देश के पता नहीं कितने लाख लोगों की निर्मम हत्या करवा देता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक देशभक्त इतना बड़ा डिक्टेटर कैसे बन गया। तो एवरीवन, मैं मानसी मौर्य और आज हम बात करेंगे रुडोल्फ हिटलर की डिक्टेटरशिप के रिगार्डिंग। अगर मैं बोलूं पैसे की चाह और सत्ता की भूख ने रुडोल्फ हिटलर को डिक्टेटर बना दिया, तो पैसे की लालच और सत्ता की चाह रखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो तो डिक्टेटर नहीं बन जाते। तो रुडोल्फ हिटलर ने ऐसी क्या अलग मैकेनिज्म लगाई? एक्चुअली जर्मनी की पॉपुलेशन दो कम्युनिटी में थी, एक नाजी और दूसरे यहूदी, वैसे जैसे अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम। हिटलर ने इन दोनों कम्युनिटी को आपस में कभी मिलने ही नहीं दिया। इसके लिए हिटलर ने मनगढ़ंत रेसियल हायरार्की क्रिएट की, जिसमें अपने मन मुताबिक सुपीरियर और इंफीरियर रेस को डिफाइन कर रहे थे, जिसमें हिटलर ने बताया नाजी सुपीरियर ब्लड रेस के लोग हैं और उन्हें खुद पे गर्व होना चाहिए क्योंकि वो अच्छी ब्लड रेस के लोग हैं, और वही यहूदी ज्वेस और डिसेबल इंडिविजुअल को एलिमिनेट किया जाता था और उन्हें इंफीरियर महसूस कराया जाता था। हिटलर नाजीज़ को भड़काता था कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था के जिम्मेदार यहूदी और ज्यूइश लोग हैं, नाजीज़ और नाजीज़ के कल्चर को यहूदियों से खतरा है। हिटलर ज्यूइश और यहूदियों को इंटरनल इनमी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरे के रूप में प्रेजेंट करता था, और इन सब के बीच हिटलर खुद को एज अ हीरो प्रेजेंट करता था कि डोंट वरी, हिटलर बचाएगा इनसे तुम्हें भी और राष्ट्र को भी। लेकिन हिटलर नाजीज़ के सामने खुद को एज अ हीरो क्यों प्रेजेंट करता था? क्योंकि हिटलर का मेन एजेंडा था वोट लेना, और नाजीज मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी में थे एज कम्पेयर टू अदर्स। ये वो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हैं जिसे 1934 में हिटलर ने बंद करवा दिया था, जिससे उनकी प्रोपोगंडा को अपोजिशन न मिल पाए। ऐसे और न जाने कितने न्यूज़पेपर को प्रमोट किया गया और नाजीज पार्टी के प्रोपोगंडा का मीडियम बनाया गया, मतलब हिटलर ने मीडिया पर अपना कंट्रोल बना के रखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। इन सब के बीच इनकी स्पीच न्यूज़पेपर्स इन्हें मसीहा की तरह सो करते थे कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके कंट्री की इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी कर दूंगा, और लोग इन बातों पे भरोसा भी कर लेते थे क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी थी। 10 मई 1933 को नाजी पार्टी के ऑफिसर्स ने 25,000 से भी ज़्यादा किताबें जलाई। क्यों? क्योंकि ये वो किताबें थी जिसे पढ़कर किसी की भी लॉजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो सकती थी। अब ना ही ये किताबें रहेंगी और ना ही किसी की लॉजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी, और ना ही कोई इनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, और ना ही कोई इनके अगेंस्ट जाएगा, और बस जो ये बोलेंगे सब बिना तर्क किए मान लेंगे। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया, बाकी सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी रद्द कर दी गई। बस अब हिटलर पूरी जर्मनी पे मनमानी राज करता था। तो ये कुछ टूल्स यूज किए थे रुडोल्फ हिटलर ने फॉर द डिक्टेटरशिप।